नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 40,500 पदों पे नई बंपर सरकारी शिक्षक भर्ती 2022 आई हुई है। ऑनलाइन इनके लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका चल रहा है अभी। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर से जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, पदों का विवरण। ये जिले का नाम है, ये पद हैं। अररिया में 1327 पद हैं, अरवल में 335 हैं, औरंगाबाद में पदों की संख्या है 1093, बांका में 1220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424, पूर्वी चंपारण में 1914 पद हैं, गया में 1697 पद हैं, गोपालगंज में 1050 पद हैं, जमुई में 828 पद हैं, जहानाबाद में 547 पद हैं, कैमूर में 612 पद हैं, कटिहार में 1115 पद हैं, खगड़िया में 544 पद हैं, किशनगढ़ में 812 पद हैं, किशनगंज में लखीसराय में 473 हैं, मधोपुरा में 810 हैं, मधुबनी में 1883 पद, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1629 पद हैं, नालंदा में 1352 पद हैं, नवादा में 963 पद हैं, पटना में 1980 पद हैं, पूर्णिया में 1354 पद हैं, रोहतास में 1271 पद हैं, सहरसा में 754 पद हैं, समस्तीपुर में 1540 पद हैं, सारण में 1436 पद हैं, शेखपुरा में 247 पद हैं, शिवहर में 216 पद हैं, सीतामढ़ी में 1107 पद हैं, सिवान में 1209 पद हैं, सुपौल में 1047 पद हैं, वैशाली में 1112 पद हैं, पूर्वी चंपारण में 1639 पद हैं। कुल 40,506 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट है प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की, और जो ये रिक्रूटमेंट है ये आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। दोस्तों, इनसे जुड़ा हुआ डिटेल्ड नोटिफिकेशन पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, वो वीडियो हो सकता है आपने न देखा हो तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 22/4/2022 थी, अब उसे बढ़ा के 2/5/2022 कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, 2/5/2022 तक अब आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। पदों का विवरण मैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। कुल 40,506 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखिए, अनारक्षित 16,204, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4,040, अनुसूचित जाति 6,477, अनुसूचित जनजाति 418, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7,290, पिछड़ा वर्ग 4,861, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 1,210। ये पदों की संख्या कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। जहां तक पे स्केल की बात है, प्रारंभिक वेतन आपको 30,500 मिलेगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। शैक्षणिक योग्यता भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से DLED या BT, BEd या BEd या BSc Ed या BLED आपने कर रखा है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये देखिए, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटे के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा आपने कर रखी हो, या फिर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा संतुष्ट संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा
प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो ये है दोस्तों एलिजिबिलिटी। आयु सीमा 60 वर्ष से कम आपकी होनी चाहिए, 60 वर्ष नहीं होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में दोबारा से आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई प्रोवाइड कराई गई। बाकी आप bpsc.bih.nic.in पे जाके इनका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।